हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह सुबह उठ गए हैं और कल सोते सोते 2 बज गया था। जस्ट मेरा वीडियो खत्म हुआ कि नहीं, मैं सो गई और रात में इतनी अच्छी नींद हुई। जस्ट अभी उठी और अभी नहा लेंगे, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया और यहाँ पे टाइमिंग ना आधा घंटा आगे है और समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा फ़ोन में दिखा रहा है अभी भी 7:30 बजा है और दीप के फ़ोन में दिख रहा है कि 8 बज गया है। तो क्या टाइमिंग ठीक है, क्या टाइम ठीक नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। ब्रेकफास्ट करके रेडी होकर रहते हैं, जब कैब आएगी तब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। वो लड़का को देखो, हमेशा फोन। ए देखो लाइट ऑन करती हूँ। तुम ना पहले सामान डालो, सब निकाल के जो रखती है। हाँ हाँ डालूंगी। और मेरा आग बहुत, 9 बजे आ गए। हाँ ठीक है, मैं क्या बोल रही थी भूल गई। और मेरे फोन में तो कल शाम से इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। दुनिया में क्या चल रहा है मुझे एकदम से नहीं पता। कितना अच्छा लग रहा है, कुछ कनेक्टिविटी नहीं है किसी के साथ। नहीं नहीं है, मतलब दीप का है, मेरा नहीं है। अगर कॉल करते हैं तो दीप के फ़ोन से करते हैं, मेरे फ़ोन से नहीं। आज स्टीम ले लेंगे, उसके बाद देखते हैं। मैं फटाफट सब कुछ बैग के अंदर डाल देती हूँ। मैं कल पूरा ऐसे यहाँ पे निकाल के रखी थी सब लड्डू पीनट्स वगैरह वगैरह। मुझे लगा एक दिन तो रहेंगे, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे और रूम भी इतना अच्छा है, तो एक दिन तो रहेंगे, तो मैं अच्छे से निकाल के रखी थी। ठीक है, अब सब पैक कर देते और नहा लेती हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो मन नहीं हो रहा है, बट नहाऊंगी मैं। बस बस 15 मिनट बचा था, फटाफट फटाफट आ गए। अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। आलू पराठा मैंने लिया है, दीप लिया है, पूरी सब्जी, सेम पूरी सब्जी खाने के लिए मन ही करा था। कल रात में हम लोग जो मॉनेस्ट्री गए थे वो वहाँ पे है, उसके सर्कल में ही हम लोग कल 2-3 राउंड लगाए। और इस तरफ भी हम लोग गए थे, उस तरफ भी हम लोग गए थे, उस तरफ भी गए थे, और उस तरफ कुछ नहीं है तो उस तरफ नहीं गए थे और इस तरफ भी गए थे। तो ये एरिया हम लोग पूरा कवर कर लिए हैं। कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना। हम लोग सोच रहे थे सुबह सुबह जाएँगे मॉनेस्ट्री, बट उठ ही नहीं पाए और क्या जाएँगे। दही है बट मैं दही नहीं खाऊंगी। केचप होता तो अच्छा लगता। अचार, अचार सुबह सुबह अचार खाऊं। अभी हम लोग इमिग्रेशन ऑफिस में हैं, सब करेंसी वगैरह एक्सचेंज करेंगे और कुछ फॉर्मेलिटीज है वो सब करके यहाँ से निकलेंगे थिम्पू के लिए। देखते हैं यहाँ पर कितना टाइम लगता है। जल्दी हो जाएगा, हो जा रहा है, ज़्यादा लोग नहीं है, भीड़ तो इतना नहीं है, कम है। हाँ, इमिग्रेशन ऑफिस में काम खत्म हो गया है। बाय द वे करेंसी एक्सचेंज करना नहीं पड़ा क्योंकि भूटान में हर एक जगह इंडियन करेंसी चलती है। और हम लोग सनग्लास एक्सचेंज कर लिए हैं, मैंने दीप को मेरा वाला दे दिया, उसका ले लिया क्योंकि ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। दीप को वो वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। तुम्हारे फेस में ये अच्छा लग रहा है, तो वही है ना, बस हो गया। और हम लोग वेट कर रहे हैं एक्चुअली सिम कार्ड के लिए, अभी तक हमको सिम कार्ड नहीं मिला है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इंटरनेट नहीं है हमारे पास अभी। फाइनली ओके, हमको फाइनली मिल गया सिम कार्ड। रफली 4 आवर्स मोर देन 4 sightseeing will be the Karpandikimpa. Where is that? It's a temple where you can see the whole that Jaigom and Bhutan border. Okay. So if you're confused with anything on the way, just let me know. Okay? Yeah, sure. कहाँ जा रहे? Temple. तो अभी हम लोग जा रहे हैं टेम्पल।
नाम तो नहीं पता मुझे। ब्लॉग नहीं कर पा रही, उसको इतना ठंड लग जम गई है वो। अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये हमारा रेस्टोरेंट है बेसिकली, जहाँ पे हम लोग लंच करेंगे। तो कुछ ऐसे ही देखते हैं, मतलब भूख तो लगी है। यहाँ से थिम्पू और भी आई थिंक 90 किलोमीटर्स के आसपास है। बहुत सुंदर है, जो भी जगह पे आप रुको ना, इतना इतना पीसफुल है, इतना अच्छा लग रहा है। और ये क्योंकि कार्बन फ्री कंट्री है आई थिंक वर्ल्ड का ओनली, यहाँ के ऑक्सीजन में कुछ अलग ही बात है। अच्छा लग रहा है काफ़ी, बहुत फ्रेश लग रहा है। बट ठंड अभी काफ़ी पड़ गई है क्योंकि हम लोग बहुत ऊपर आ गए और ठंड जैसे सोच रही थी वैसा ठंड नहीं है, उससे बहुत भयंकर ठंड। देखते हैं अभी लंच करते हैं, तब लंच तब तो व्लॉग कर लोगी ना तुम। अरे तो पता नहीं, ये जम गई है, उसको डिक्की पे डाल के लेके जाएंगे अभी। जैकेट धूप में बैठा है वो, मतलब मेरा है, तुम वहाँ पे जाओ, मैं धूप में बैठू। थैंक यू। ठंडा बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बहुत मतलब भयंकर ठंड, मेरा बाल पूरा ठंडा हो गया है। कान में हाँ, कान तो ऑलरेडी हो गया था। हाँ, ये हमारा लंच है, लंच में है थुप्पा और ये है इमादाक्षी। ये बहुत ही फेमस यहाँ का लोकल क्विजीन है जिसमें खाली चीज़ और मिर्ची रहता है। तुम बहुत एक्साइटेड हो। हाँ, यहाँ का बहुत तीखा होता है मैंने सुना है, बट तीखा खाने का लेवल में टेस्ट करना है। आके टेक ऑफ कर ली यहाँ से, डायरेक्ट थिम्पू जाके खुद ही पहुँच जाएगी। नहीं, मैं थोड़ा सा टेस्ट करूँगी, फर्स्ट बाइट लो। अच्छा है, तीखा है, तीखा है। थोड़ा तो मतलब तुम्हारे लिए बहुत तीखा है। नहीं, मैं नहीं खा पाऊंगी फिर। थोड़ा टेस्ट कर, चक्कर आएगी मुझे खा के फिर। पूरी पूरी मटर सब्जी है, पूरी 3 दिन से मैं पूरी खा रही हूँ। नहीं बोल रहा है कि पूरी खाओगे, 2 दिन से मैं पूरी सब्जी, पूरी सब्जी, और कितना पूरी सब्जी खाऊंगा। ठंडा लग रही है, मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ। ये वाटरफॉल के पास मैं क्या ब्लॉगिंग करूँगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बात भी नहीं कर पा रही हूँ। जस्ट हम लोग होटल में पहुँचे और
इतनी ठंडी है, मैं तब से ऐसे कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ठंडी है। और बहुत क्यूट सा कोजी सा रूम है एक्चुअली। देख बार खोलो क्या है व्यू, मैंने अभी तक व्यू नहीं देखा। तुम खोलो व्यू दिखाओ हमको। हटो, ये खोल सकते हैं बट खोलना नहीं है मुझे। नहीं नहीं नहीं, खोल सकते हैं बट नहीं खोलना है, इतना ठंडा है दीप। थैंक गॉड वो लोग कॉफ़ी भेज दिए, कॉफ़ी पीते हैं। और हमने रूम हीटर भी ऑन कर दिया है और यहाँ पे टेम्परेचर 5 है, आराम से बैठ के कॉफ़ी पीते हैं। हाँ मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा चीनी। लड़का एक स्वेटर में निकल रहा है, ठंड लगेगी जब समझ में आएगा। मैं तो जितना सारा स्वेटर लेके आई थी सब पहन ली मुझे लग रहा है। और ये स्कार्फ इतना अच्छा है, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है इसको ओढ़ने के बाद, बहुत अच्छा स्कार्फ है ये। ग्लव्स भी मैंने पहन लिया है, ग्लव्स पहनने के बाद ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ इसलिए इस तरफ का नहीं पहनी हूँ, जब ज़्यादा ठंड लगेगी तब पहनूँगी। ये पॉकेट में रख देती हूँ, पॉकेट है मेरा। दीप तब से ही सोच रहा है वो क्या करके जाएगा। अरे कुछ भी रैप करो, ये ज्यादा स्टाइल कर रहा है लड़का, स्वेटर पहन के जाओ। अभी 5:30 हुआ है और समझ में नहीं आ रहा है, अंधेरा हो चुका है पूरा यहाँ पे। अभी हम लोग जा रहे हैं थिम्पू मेन टाउन, देखते हैं वहाँ पे क्या है, पास में ही है एक्चुअली। होटल पे बैठ के क्या करना है, थोड़ा सा घूम के आ जाते हैं। और ऐसे भी हमको ऐसे घूमना बहुत अच्छा लगता है। टेम्परेचर ड्रॉप कर रहा है अभी, 4 डिग्री हो और -1 जाएगा रात तक। हम लोग अभी थिम्पू के रास्ते में चल रहे थे। यहाँ का वाइब वर्सेस फ्यूचरिंग का वाइब बहुत ही अलग है। ये बहुत मतलब थोड़ा खाली खाली लग रहा है। बांग्लादेश से बहुत लोग यहाँ पे आए हुए हैं, मतलब आई थिंक काम के लिए। बट हाँ ओवरऑल, और ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी है ना एज़ कम्पेयर टू फ्यूचरिंग, क्योंकि जो सेम कपड़े वहाँ पे मिल रहे थे 200-250 में, वो सेम चीज़ यहाँ पे मिल रहा है 1200-1800। तो बट यहाँ पे बिल्डिंग्स बहुत सुंदर है, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है, कल सुबह ही दिखा सकता हूँ। बैंक का बिल्डिंग अगर इतना सुंदर होने लगे तो मैं तो रोज बैंक ये वाला बैंक ऑफ भूटान। और यहाँ पे गाड़ी का स्पीड लिमिट मुझे लगता है 50 भी नहीं है, नहीं 50 है 40 के आसपास है थ्रू आउट द कंट्री, बिकॉज कोई भी ओवर स्पीडिंग हुए तो नहीं कर रहा। देखो उसको देख रहा है कुछ नहीं, वो इन सब का नाम है ये देखो। I don't wear a collar because I have PTSD. Oh, यहाँ पे। I am the cute one with the collar open. Oh. Wow. यहाँ पे वो कहाँ चला गया है घूमी करने के लिए। घूमते घूमते हमको एक बहुत क्यूट सा कैफे मिला। मुझे मन कर रहा था पिज्ज़ा खाने के लिए तो मैंने पिज्ज़ा लिया। तुम तो शेयर नहीं कर रहे। दीप ने लिया है कॉफी बनाना केक। इंडिया में एटलीस्ट बनाना केक मुझे नहीं मिल रहा है, यहाँ पे एटलीस्ट मिल रहा है। कैफे का कॉफी बहुत ज़्यादा अच्छा था और बनाना वॉलनट का केक भी बहुत अच्छा था, बट मेरा पिज्ज़ा बहुत ज़्यादा गंदा था क्योंकि सब टॉपिंग चला दिए थे। इस मशरूम का
मशरूम का स्वाद ही नहीं आ रहा था, मतलब इतने दिन के बाद पिज्ज़ा खा के दिल दुखी हो गया। दीप को इतना कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि वो पिज़्ज़ा लवर नहीं है, मैं हूँ बहुत ज़्यादा। पूरा जला हुआ पिज़्ज़ा खा के आई, मुझे लगा एकदम से अच्छा नहीं था, मूड ख़राब हो गया मेरा। हम लोग एक बार सोचे रेस्टोरेंट से खा के चले जाएंगे ऊपर, तो इसलिए हम लोग खाना ऑर्डर कर लिए। आज खाने में है दाल, पनीर, मटर मसाला, देन चपाती और राइस, पापड़ आ रहा है वो सब। आज हम लोग पेंसिलिंग से थिम्पू आए और उसके बाद बहुत ज्यादा लेट हो गया था इसलिए और कहीं गए नहीं, और बस शाम के टाइम पे थिम्पू का मार्केट जितना जो घूम के आए। और कल 9 बजे यहाँ से हम लोग निकलेंगे, थिम्पू में जो जो कवर करना होगा वो सब करेंगे और पुनाखा जाएंगे, तो ये कल का प्लान है। तो इसलिए मैं और लेट नहीं करके आज जल्दी सो जाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे टायर्ड लग रहा है। तो बस आज का ब्लॉग को फिर मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, आप लोगों के साथ मिलती हूँ कल एक न्यू ब्लॉग में। तो आपको ये वीडियोस कैसा लग रहा है आप प्लीज़ हमको कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। टिल देन, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।